हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा माही स्कूल शिक्षा विभाग 10वीं और 12वीं के परीक्षा के परिणाम माँ मेधावी छात्रन के सम्मान खातिर समारोह के आयोजन कीनगा और एक खातिर विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रीवा के मेधावी छात्रन का साल श्रीफल प्रतीक चिन्ह दई के सम्मानित करें। वहीं कोनो कारण से जौन छात्र नहीं आ पाए रहे उनके अभिभावकन का सम्मानित कीनगा। राशि के चिन्ह के साथ सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान राशि देने के लिए आप मंच पर आमंत्रित होंगे। ऐसे तमाम बिगड़े हुए काम को किस प्रकार से सुधारा जाता है जा सकता है, उसका उदाहरण इस हॉल में कार्यक्रम करते समय महसूस हो रहा है। बहुत ही सुंदर हॉल बन के तैयार हुआ है और एक एक बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। आज जो कार्यक्रम है एक भाग है कि जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया स्वाभाविक तौर पर बहुत मेहनत की होगी और उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, उनका त्याग है, समर्पण है और जिसका फल उन्होंने प्राप्त किया तो न केवल उनके अभिभावक माता पिता को मिला बल्कि रीवा जिले की जनता को मिला। इसलिए उनका हर हालत में प्रोत्साहन करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए, एक उद्देश्य है इसका। बुलेटिन की अगली खबर रीवा के सेमरिया से है जहाँ पटवारी मयूरी त्रिपाठी और तहसील प्रवीण त्रिपाठी के दबंगई के मामला सौहियाबा हबै, जहां पीड़ित जन सुनवाई माही कलेक्ट्रेट पहुंच के अपन आप बीती सुनाई। पीड़ित बताएं कि बीपीएल कार्ड बनवावे खातिर 6 महीना पहले आवेदन दिए रहे, जहां बीपीएल कार्ड बनवावे में दुल्हू जने टाल मटोल करत रहे। वहां एकर शिकायत जब सीएम हेल्पलाइन में पीड़ित कह दिए तो दबाव बनाए के पहले शिकायत कटवाए दिए। पीड़ित यह बताएं कि उनके बिटिया के एडमिशन खातिर 5 तारीख तक स्कूल में कागजात जमा करावे का रहा, पर समय बीत जाए के कारण पर समय में ही बीपीएल कार्ड नहीं बने के कारण बच्ची प्रवेश पावे से वंचित रह गई। सर, हमारी मांगे ये थी कि हम बीपीएल के लिए आवेदन किए थे 5-6 महीने पहले सिमरिया तहसील में, तो उसमें बीपीएल कार्ड नहीं बना था तो हम सीएम हेल्पलाइन कर दिए थे। सीएम हेल्पलाइन जब कर दिए तो वहाँ पटवारी और तहसीलदार को पता चला कि सीएम हेल्पलाइन है, तो वो हमसे लगातार संपर्क किए, बोले कि ओटीपी भेजे अपने तरफ से, तो मांगे ओटीपी तो हम एक बार बता दिए तो हमारी शिकायत कट गई। फिर वो पटवारी तहसीलदार ये बोले थे कि आप शिकायत एक बार कटवा दो, 10-12 दिन के अंदर अंदर हम आपका नया मतलब बीपीएल कार्ड बनवा देंगे। तो फिर दोबारा हम जब बीपीएल के लिए संपर्क किए तो बोले कि आप शिकायत पुनः चालू करवा दो, आपका बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। फिर हमको लगातार जब इसका केंद्रीय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम वाला वो आया डेट आ गई तो उसमें हमारी बच्ची का नाम आ गया, तो हम तहसीलदार साहब से और मायूरी त्रिपाठी पटवारी से संपर्क किए तो वो बोली कि आ जाओ तहसील, आ जाओ तहसील में बनवा देंगे। जब तहसील पहुँचे तो बोले कि आप सीएम हेल्पलाइन करते हो, तो बोले नहीं सर, सीएम हेल्पलाइन नहीं करते हैं, बच्ची का भविष्य का बात है और इकलौती हमारी बच्ची है और पढ़ने में ठीक है, उसका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए, इसलिए आवेदन किए हैं जैसे बन जाए हमारा बीपीएल कार्ड। तो पटवारी और तहसीलदार साहब मिल के हमारा मोबाइल छीन लिए, रुको हम बताते हैं बीपीएल कार्ड बनवाते हैं तुम्हारा। जब हमारा बीपीएल ओटीपी निकाल के हमारा शिकायत सीएम हेल्पलाइन बंद कर दिए, फिर जब हमको मोबाइल दिए तो देखे तो उसमें शिकायत बंद का मैसेज आ गया, तो हमारी बच्ची का 5 तारीख तक आवेदन डॉक्यूमेंट्स जमा करने का डेट था, तो 5 तारीख तक बुलाते रहे कि आज आ जाओ, आज आ जाओ, कल आ जाओ, आते जाते आखिर में हमारे बच्ची का प्रवेश से वंचित रह गया। खबर रीवा के आसियाना मैरिज गार्डन गुलाब नगर से रही, जहां बिटिया वाले अपना खर्चा और नुकसान के भरपाई के मांग कई के लड़का पक्ष वाले से काज खातिर मना कई दिन। जानकारी मिली के शादी माही लड़का पक्ष वाले लड़का का इंजीनियर बताए के शादी करावत रहे, जबकि मंडप मा लड़का का नशा में दिखता है बिटिया शादी करे से इनकार कई दिन। जानकारी हो मिली कि लड़का 5 साल पहले शादी कर चुका रहा, वह दूसर शादी के फेर में रहा। आई सुनाई थे सलगा मामला और सलगे मामले में कौन मेर के जानकारी दीन जाला ही बे। क्या मामला हुआ, कैसे शादी हुई था? ये उनके पहल पार में सामने देखी बोल लगभग 1.5-2 माह से चल रही थी,
लवरीज के जिन प्यासी के माध्यम से चर्चा उत्पन्न हुई थी शादी की, जिसमें बिहारी तिवारी अगस्त क्रांति मंच संयोजक हूँ मैं। क्या घटना हुई इस बरादर पे? ये नशे के दुष्परिणाम से जो है उसका जीता जाता उदाहरण है। यहाँ कल एक बेटी की शादी होनी थी, और जो दूल्हा था वो नशे में धुत था, और जयमाल के वक्त उसने उस कन्या के साथ, उस बहन के साथ बदतमीजी की, और जिस कारण से आहत होकर उस बहन ने शादी करने से मना किया। और अब जो लड़की के माँ बाप हैं और परिजन हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारा नगद दिया हुआ है, बाकी जो खर्चे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा हुए, आप इस महंगाई में समझ सकते हैं कि माँ बाप कितना खर्च करते हैं, तो जो नगद खर्चे थे उस पर दोनों पक्षों की सहमत हो गई है। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पी हुए था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी, और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। अब वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो रहा है और शादी संभवतः नहीं कर रहे हैं। आप भी पहुंचे थे मौके पर? सर हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, छह नंबर भी गई थी। किस तरह का संदेश थे? निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पीते स्टेट में नाटक कर रहा, बात मचा रहा। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक दिए हुए था, जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष 3 दिना चले वाले दिव्यांग शिविर के समापन करें। इस शिविर में ही दिव्यांगन का 730 कृत्रिम उपकरण वितरित किन गा है। यह कार्यक्रम देवतलाव सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किन गा रहा, जहां स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी के याद में दिव्यांगन का ही कृत्रिम अंग और उपकरण बांटे गए। रीवा में ही आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजनिवास कांड कलई के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना दीन, साथ ही ज्ञापन के माध्यम से मांग करीन के आरोपी महंत का बुलवाई के शहर में पोस्टर लगवावे वाले और आगंतुक के आपराधिक जानकारी लुकवावे वाले बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की जाए। धरना दिया जा रहा है, क्या मांग रहा है? ये यहाँ पर जो है राजनिवास को लेकर, जिस प्रकार को शुरू से राजनिवास के मामले को लेकर 29 तारीख को जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर सारे अपराधियों का नाम बताया गया था, षड्यंत्र तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई थी, उस पर जो है लगातार कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार से लोगों को अंदर लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से शुरू से ही प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी राजनिवास के कमरे को बुक करना, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कमरा किसके नाम से बुक हो रहा है, ये सुनिश्चित होना चाहिए था कि भले ऊपर का मंत्री, आपका प्रभारी मंत्री, जिसको जानकारी अनुसार, मेरे जानकारी अनुसार प्रभारी मंत्री या फिर कोई यहाँ का जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा जो अगर भले आपको प्रेस किया जा रहा था, लेकिन किसी अपराधी के नाम पे कमरा बुक नहीं होना चाहिए था। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखा रही मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।